अरे लग रहा है धक्का मार के ले जानी पड़ेगी इसे। यार एक मिनट यार, वीडियो बननी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। गाइस, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि भाई साहब मैं इसमें तेल डलवा सकूं। इतना गरीब हूं मैं खुद बोलेगा मैं कितना गरीब हूँ। तो गाइस, आज इस वीडियो में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे जिसे भाई कोई बना लेगा। गाइस, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की, भाई साहब समझ में नहीं आएगा। गाइस, आज इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े जितना डायमेंशन दिखाऊंगा, कितने रुपए की बनी है, कितना किलोमीटर चलेगी, कितना लोड ले जाएगी, कंप्लीट हर चीज में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से किसी भी कबाड़ा साइकिल से, कबाड़े चीज से, कबाड़े पार्ट से इलेक्ट्रिक स्कूटर बना लोगे, मेरा दावा है। दोस्तों, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट, ये वाला पाइप में लेकर आऊँ, देख सकते हो। और गाइस, मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, फ्रेंड्स ये सब आपको पता है। और भाई जिसे नहीं पता, वो समर ब्लॉग ऑफिशियल भी आकर देख सकता है, मैंने पूरी इसकी एक सीरीज बना रखी है, कौन सामान में लाया, कैसे कैसे लाया, सब कुछ मैं बता रखा है। चलो भाई, फटाफट इस पर आते हैं। तो भाई, इस पाइप की चौड़ा आप देख सकते हो, पूरी 3 इंच है, पूरी 3 इंच और 1x3 इंच का ये पाइप है। तो भैया, पहले इसका बेस तैयार कर लेते हैं, पहले फ्रेम तैयार करेंगे। तो भैया, लेंथ ले रहा हूं मैं 20 इंच। गाइस, मैं आपको हर चीज बताऊंगा इस वीडियो में, तो भैया आपको इस वीडियो बने रहना है। उसके बाद मैं पूरा लूंगा 1 फीट, आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पूरा 1 फीट, यहाँ से अगेन 20 इंच, पूरा 1 फीट। अब भाई साहब, हम इस पाइप को टुकड़ों में नहीं काटेंगे, हम इस तरीके से काटेंगे जो मुड़ जुड़ के पूरा एक फ्रेम बन जाए। इससे मजबूती काफी रहेगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा और वेल्डिंग बच जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ मैंने 1 इंच छोड़कर कुछ कलम टाइप का बना लिया है, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर मिड में से। गाइस, मैंने 1 इंच क्यों लगाया, क्योंकि इस पाइप की 1 इंच मोटाई है, मैंने सब जगह ये काम किया है, ठीक है। यहाँ कलम यहाँ बनेगी और भाई एक कलम यहाँ बन जाएगी, फटाफट भाई मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो लीजिए भाई, काफी मेहनत लगी काटने में, लेकिन कट गया जो बात है। और अब ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, मैं फटाफट से थोड़ी चोट और बजानी पड़ेगी, मोड़ के रेक्टेंगल बना देते हैं। तो भाई साहब, लगभग 2 घंटे में तैयार हुआ है। आप जो अलग अलग पीस करके इसे जोड़ सकते हो। मुझे जो टाइम लगा है, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट किया है। अगर आपको इसकी डायमेंशन को देखिए, 1 फुट 1 सूट, तो भाई देख 1 फुट 1 सूट, इधर से भाई देख सकते हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो भाई बिल्कुल आपको बैलेंस बनाना, बाद में गड़बड़ ना करें, डिसबैलेंस होगी मेरी साइकिल, तो भाई इसे बैलेंस बनाना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। भाई दोनों तरफ से मैंने घिस भी दिया। तो गाइस, इसे फिलहाल रखते हैं साइड में, अब आते हैं भैया मेन टॉपिक पर। भैया, ये रही हमारी साइकिल। हाँ, तो भैया इसकी हालत देख सकते हो, कितनी बेकार इसकी हालत हो रही है, बहुत पुरानी साइकिल है। तो भैया सोच रहा हूँ कि सीधा से काट लूँ, तो भाई मुझे यहाँ से कट करनी है, बिल्कुल ये वाला हैंडल अलग कर लेना। तो गाइस, ये कट चुका है, देख सकते हो, और यहाँ से मुझे अभी इसे रब करना है, घिसना है, ये भी निकालना है, टायर भी लगाना है। पहले मैं टायर लगा दूंगा, उसके बाद मेजर करते हैं कितना इसका फ्रेम कट होना बाकी। तो भैया पहले मैं ब्रेकों को भी निकालता हूँ इसमें से। तो गाइस, काफी मस्त ऐसा लग गया है, और देखिए यहाँ मेरे भाई ऐसी घिसाई के पते लगे, भाई पहले था भी कुछ है ना, काफी मस्त घुसाई होगी। अब आते हैं इस हैंडल को जोड़ने पर। तो भाई ये रहा इसका बेस, और भाई साहब किस तरीके से ये इस पर लगेगा, मतलब मेन चीज है इसका सीधा हैंडल है, और भाई ये लगेगा इस तरीके से, बैंड करके लगा सकते हो, चाहे इस तरीके से ऐसे लगा सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके। तो भाई ये वाला जो बेस है, इसे हम इसके बराबर रखेंगे, ये आप देख सकते हो ना इसका टायर का, इसकी बराबर जैसा ऊंचा है इसकी। तो भाई हमें पहले इसे किसी जगह रखना पड़ेगा जो थोड़ा ऊंचा हो जाए। तो भैया मैंने अपना वही इंडिया का देसी जुगाड़, जो कि ईट है, ईट को ऊपर से रख दिया है। मैं चाहूँ भाई थोड़ा सा ऊंचा बन जाए, वैसे इतना भी बहुत है, अगर मैं चाहूँ तो गाइस थोड़ी सी ऊंची और कर सकता हूँ, इन ईटों को मैं ऐसे रख सकता हूँ। तो भाई काफी ऊंचाई हो जाएगी, ब्रेकर पे से आराम से निकल जाएगी। भैया पाइप थोड़ा ऐसे बैंड होकर जाएगा, भाई पाइप मोड़ना काफी मुश्किल है और वक्त का काम है। तो गाइस हम करने के वाले हैं, हम इस वाले पाइप को ही बैंड करेंगे। ये जो पाइप है ये मजबूत होना चाहिए, इस पे बहुत लोड रहेगा पूरा पीछे साइकिल का। यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई हम पाइप कितना बैंड करें, चलो बैंड तुम कर देंगे, कैसे परफेक्टली बैंड करें। तो भैया मैंने इसके लिए एक जुगाड़ निकाला, आप कोई भी हार्ड पाइप, लोहे का पाइप, इस तरह का साफ करके ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई कितना आएगा। मुझे लगभग पाइप इतना बैंड करना है, तो भैया मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, तो इसकी मैं लंबाई भी देख लूंगा और ये बैंड कितना हुआ है वो भी देख लूंगा। तो गाइस ये इस तरीके से देखिए बैंड हो जाएगा। चलिए गाइस फटाफट करते हैं भैया इस पर वेल्डिंग। तो गाइस 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 देखिए इस तरह कुछ इसका लुक आ रहा है, काफी अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है। एक बात और, बैलेंस दिख रहा है गाइस, देखिए आपको हैंड को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, सीधा हो जाएगा, हैंड टेढ़ा हो रहा है। इसमें गाइस मेन चीज बैलेंस बनाना, तो थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, भाई गैप तो आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। तो आप चाहते थोड़ा सा इस तरह तो कलम बना सकते, मैं कलम इसलिए बनाई, कलम बनती तो ज्यादा देर कवर करता, तो ठीक है इतना बुरा नहीं लग रहा, आप देख सकते हो। एक बात और, इस पाइप को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर एक पाइप ओला जो कि 1 इंच में है, ये गाइस थोड़ा सा हल्का है, ज्यादा हैवी मत लगाना
फिलहाल, वरना गाइस ये ज्यादा हैवी होता चला जाएगा। तो भाई साहब आधे घंटे बाद जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, सोचा तो भाई ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप बैंड हो रहा है ना, बैंड तो ठीक है, लेकिन भाई साहब इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ना, पूरा 3 इंच। एक सेकंड आप देखो, मतलब ये बहुत मोटा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। सुबह से शाम हो गई है, इसे मुझे लगाने में 2 दिन लगे, काटा है, जोड़ा है। देखना गाइस आपको लग रहा होगा 1 मिनट वीडियो खत्म हो गई, लेकिन बहुत मेहनत लगती है भाई। गाइस मजा नहीं आएगा तो फायदा देगा प्रोजेक्ट का, है ना। तो भाई इसे मैं हटाऊंगा, इसे हटा दूंगा, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और भाई साहब मैं ये वाला पाइप लेकर आया हूँ, जो कि है 2 इंच और भाई 1 इंच, 1 इंच मोटा, 2 इंच चौड़ा। तो भाई ये वाला पाइप मैं लगाने वाला हूँ। एक बात और, जितने कट्स मैंने इसमें लगाए हैं ना, मैं इसमें कट्स नहीं लगाने वाला, सिर्फ एक कट दूंगा बीच में। तो यहाँ से भाई मैं इसे काटूंगा और फटाफट यहाँ पे इसे लगा दूंगा। चलो ये देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मुकाबले देखिए कितना मस्त लग रहा है, और भाई छोटा भी हो गया है और लाइट वेट हो गया है। आप इसे देखिए भाई साहब कितना हैवी है, देखिए बहुत ज्यादा हैवी है। और भाई मजबूत ये भी है और मजबूत ये, लेकिन इसमें जॉइंट काफी ज्यादा है, टूटने की संभावना इसकी ज्यादा थी। तो भाई मैंने इसमें काफी कम जॉइंट दिए, 1 और 2, और इन्हें मान सकते हो चाहो तो, लेकिन बीच मैंने सिर्फ 2 जॉइंट दिए हैं। और भाई ये मैंने काट नहीं है, इधर से देखिए, मतलब पूरा पाइप नहीं काटा है, सिर्फ बैंड किया है, इस तरह से कट करके मैंने जॉइंट कर दिया है। गाइस आप पहले का लुक देख सकते हो और भाई साहब अब का लुक देख सकते हो। पहले दोस्तों कमेंट करके बताएं कौन सा लुक आपको बेटर लग रहा है। और मैंने मरगार्ड पहला का चेक कर लिया है, जिसका बीच में गैप ठीक रहे। अब आते हैं गाइस इसके पीछे सिस्टम पर। तो भाई साहब मैं यहाँ पर 2 कब्जे लेकर आया हूँ, जो कि हिंज है और ये काफी हैवी हिंज है, और भाई थोड़ा सा हैवी चौकोर पाइप है। मैं यहाँ पर गोल भी लगा सकता था, ये रहा टंकी वाला गोल पाइप, 1/2 इंच या 1/4 इंच का आप लगा सकते हो, लेकिन भाई सारे पाइप चौकोर लगाए हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें चौकोर लगाते हैं, काफी हैवी पाइप है। वैसे काफी लोग कहेंगे समर ये तो गोल है, अरे इतना तो चलता है, हमने दौड़ लगाए तो साइकिल वाले लगाए। तो भाई ये थोड़ा हैवी पाइप है, इसमें मेरे पास हल्का पाइप भी पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास हल्का पाइप है, आप अंदर लगा सकते हो। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हैवी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा हैवी पाइप लगा लेंगे। तो भैया फटाफट इन 2 इंच को लगाते हैं। आप जानते गाइस मैं इसमें शॉक अब्सॉर्बर लगा रहा हूँ, चौकोर लगाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। तो भाई मैंने कुछ इस तरह के पीस कट कर दिए, इधर से सेम लेंथ दिया है और इधर से मैंने कट किया है। इसे थोड़ा अलग टाइप से मैं लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जरूरत पड़ेगी, जो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारी साइकिल, गाइस मैं आपको बताऊं, देखिए ये देख सकते हो यहाँ पर एक्सल लगाएंगे। तो भाई ये वाला पार्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि भाई साइकिल तो बेकार हो गई है, तो भाई इसमें से हम अलग टाइप से काटेंगे। आप देखिए गाइस मैं कैसे कट करता हूँ। तो भाई मैंने 2 पीस कट कर लिए, इसे लगाने के काफी तरीके हैं। एक तरीके देखा इसके अंदर लगाओ और यहाँ पर वेल्ड कर दो, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक तो भाई ये है, अगर यहाँ मैं वेल्डिंग करता हूँ तो भाई ये इतना मजबूत नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ना, फ्री रहेगा। और एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, इसका एरिया कम रहेगा, हमें थोड़ा सा फैलाना है, जिसका पीछे बैलेंस बना रहे हमारे साइकिल में। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लगाएंगे, तो भाई ये मजबूत भी लगेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो मैं इसे पहले पिचकाऊंगा, और बुरा नहीं लगा, बेफिक्र रहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 इंच का बीच में गैप रखा है, और एक यहाँ पर पाइप का टुकड़ा लगा दिया है, सगाई से फैल लेना, ठीक है। अभी गाइस मैं इसे भी कवर कर दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हमने जुगाड़ करा है, पूरा भाई से वेल्ड मारी है, पूरे ऊपर लेजर, तो ये काफी मजबूत हो गया है। अब भाई साहब इस पीस को हमें यहाँ पर जोड़ना है, और मैंने आपको गाइस बता दिया कि मैं कब्जे लगाने वाला हूँ, मैं कुछ यहाँ पर कटिंग करके अंदर लगाने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर लेवल रखी है, सगाई ये बिल्कुल सेंटर में रहे। तो गाइस फटाफट मैं कब्जे को वेल्ड कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने कट मार लिए हैं, जिससे ये पाइप के बिल्कुल बीच में इस तरीके से फिट हो जाए, देख सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि भाई साइकिल पर लोड रहेगा, तो भाई यहाँ से खुल सकते हैं, यहाँ पर मैं छोटे छोटे 2-3 वेल्डिंग टांके मार दूंगा, इसका इसे खुले ना और काफी मजबूत हो जाए। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने टांके मार दिए, अब ये खुलेगा नहीं और ये काफी मजबूत हो गया है पहले से। तो गाइस देखिए काफी मजबूती से मैंने दोनों तरफ वेल्डिंग कर दिया है, यहाँ से मैंने बंद किया है, ये खुला हुआ था है ना, इसके अंदर पानी चले तो गाइस जंग लग जाएगा अंदर, मैं दोनों को बंद कर दूंगा। यहाँ पे अब इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है, और ये काफी मस्त वर्क कर रहा है, वैसे इतना ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी। और भैया कुछ डायमेंशन अगर आपको लग रहा हो कि समर बैग कितनी डायमेंशन है, आपको दिखा दो, यहाँ से आता है 18 इंच बैटरी पूरी, और पाइप जो लिया मैंने अप्रोक्स 16 इंच का, और इसकी चौड़ाई आपको दिखा दो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बनाओगे तो आपको अंदर जाएगा 7 इंच, और इसका आपको पता ही है 1 फिट। भाई मैंने बहुत अच्छी तरह से वेल्डिंग की है, कहीं ले जाने वाले भाई साहब। गाइस सीट के लिए जो कि हम गद्दी इसमें लगाएंगे, उसके नीचे का जो पाइप रहेगा 1/1.5 यूज कर रहा हूँ, 1.5 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे, 1/2 इंच यहाँ से कट किया है, इस तरह भाई इसमें फिट हो जाएगा। ज्यादा ही पाइप नहीं लिया है तो नॉर्मल पाइप लिया है। तो भाई अपना टूटा हुआ चश्मा लेकर इस पे वेल्ड करते हैं। एक बात और, मैं गाइस इसकी लेंथ बताना बोला नहीं हूँ, मैं सुबह बाद बता दूँ, तो आपको लाइव दिखा दूँ हर चीज की लेंथ 16 इंच की लेंथ है। तो भाई मैंने इसे अंदर से लगाया है, जिससे भाई थोड़ा मजबूत ज्यादा हो, अगर आप ऊपर देखोगे तो 13 इंच, ये जो पाइप है 3 इंच इसमें कट जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने एक चिमटा बनाया है, जो कि भाई साहब यहाँ पर लग जाएगा, ये जो बीच का गैप है ना ये 1.5 इंच ऊपर है, अभी मैं से लगाऊंगा ना तब आपको लगेगा कि हाँ 1.5 इंच ऊपर है, भी ज्यादा लग रहा होगा। सेम वही कंडीशन रखी आप देखिए, ठीक है, ये बाद में मैं कवर कर दूंगा। बिल्कुल टायर बीच में है और यहाँ से 1.5 इंच का फर्क गैप है। तो भाई अपने हिसाब से आप चिमटे बनाए, जितना ऊपर नीचे आपको रखना हो, क्योंकि फ्रेंड इस पर ब्रेक पिन लगाएंगे, जो पंजा कहते हैं नॉर्मल भाषा में ब्रेक वाला, वो यहाँ पर होल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे वेल्डिंग कर देंगे।
तो गाइस काफी मस्त लग रहा है, लगने के बाद अच्छी लग रही है साइकिल बंदे बंदे। तो भाई मैं इसके आपको लेंथ दिखाता हूँ, ये है 11 इंच, इसकी जो चौड़ाई है 5.25 इंच, नीचे देख सकते हो नीचे ज्यादा है 7 इंच, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा 1.5 इंच गैप है। तो भाई अब आते हैं इसके शॉकर पर। तो गाइस मेरे पास फिलहाल शॉकर नहीं है, लगाऊंगा क्या, मेरे पास नहीं वैसे, गाइस मेरी साइकिल में है, तो गाइस उसमें से मैंने निकाल लिया है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि गाइस अभी मुझे मिला नहीं, वैसे मिल जाता है न्यू, और न्यू मैं लेकर नहीं आया, मैं पुरानी चीज का ज्यादा यूज करता हूँ मोस्टली। तो गाइस ये रहा साइकिल का शॉकर, और ये मैंने निकाला किस में से आपको बता दूं, ये निकाला भाई साहब मैंने इस साइकिल में से। गाइस अगर आपके पास ना हो आप बाइक का भी लगा सकते हो, बाइक का मैंने इसलिए लगाया वो ज्यादा हार्ड होता है ना, मुझे थोड़ा सा ज्यादा शॉकर चाहिए, तो गाइस इसे यहाँ इस तरीके से लगाना है, हमें इसके ब्रैकेट चाहिए, शॉकर होल्डर कह सकते हो, तो वो मैंने बना ली है। तो गाइस ये रहे, और इन्हें बनाने में काफी मेहनत लगी है बॉस, आपको दिख रहा होगा। और गाइस ये मैंने इस पाइप से बनाया, इस वाले पाइप को मैंने काट के फैला के इस तरीके से वेल्डिंग शेल्डिंग करके जब बनाया, और ये चीज आप बना सकते हो है ना, फटाफट गाइस लगाते हैं। तो भाई ये रहे इसके नट बोल्ट, बिल्कुल भाई फिट बैठेंगे, और इसमें बाद में निकाल भी सकते हैं, जैसे पेंट करने का साइकिल पे, तो अभी तो मैं फिटिंग के लिए नट बोल्ट ऐसे लगा रहा हूँ। आपने एक चीज गौर करी, देखिए ये मैंने नीचे तो साइकिल को उठा रखा है, यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है जो कि 1.5 इंच का है, बाद में भी शॉकर लग जाएगा ना, तो भाई इसमें इसे बैठूंगा तो भाई नीचे को हो जाएगी साइकिल, तो हमें थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ता है साइकिल में, और यहाँ पे एक छोटा सा पीस मुझे लगाना पड़ेगा, फटाफट भाई इसे पे लगा देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया है, और मैं एक बार आपको लेब रख के दिखाता हूँ मिड में, ठीक है, और भाई पीछे के साइड में देख लेते हैं, तो ये भाई मिड में है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेंटर में है। पहले तो काफी छोटा साइज हो गया पूरी साइकिल का, काफी मस्त भी लग रही है। तो गाइस मैं अपनी गलती छुपा नहीं रहा, सारी गलती जो मुझसे हो रही है मैं बता रहा हूँ, आप इसे बनाओ तो आप ये गलती ना करो, फटाफट गाइस वेल्डिंग मजबूत कर देता हूँ, अच्छे से टाक वाक मार देता हूँ। तो गाइस वैसे तो भाई ये लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, मतलब इसका फ्रेम, और गाइस एक बात और, इसे रोकने के लिए जो कि स्टैंड है इसका यूज करेंगे, जो गाइस इसी साइकिल का था आप जानते हो, ये हमने निकाल लिया था, और वहां से ये इधर लग जाएगा, पैर मार के नीचे हो जाएगा सीधा, वो आप इसे थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इसमें थोड़ा इधर लगाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टैंड बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है, तो इस तरह से साइकिल खड़ी है, जैसा गाइस सपोज कीजिए भाई देखिए इस तरह से पैर में कर सकता हूँ ऐसे उतारे, और भाई देखिए बहुत अच्छी तरह साइकिल की स्टैंड की पकड़ आ रही है। गाइस एक बात और, मैं साइकिल गद्दी में नहीं लगाने वाला, मुझे साइकिल गद्दी से सख्त न पड़ता यार, पिछवाड़े में दर्द कर देती है, तो भाई इसमें बिल्कुल जैसे स्कूटी टाइप गद्दी हो ना, बिल्कुल चोको टाइप गद्दे वाली वो लगाऊंगा, खैर वो तो गाइस आपको इस वीडियो पता लगी जाएगी। तो फिलहाल मैं इस पे एक सपोर्ट के लिए पाइप लगाऊंगा पहले है ना, जिससे गाइस सपोर्ट रहे। गाइस एक बात और देखिए, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा है हमारी साइकिल का, देख सकते हो भाई साहब बहुत ही मस्त ग्राउंड क्लियरेंस, आराम से ब्रेक पता है कुछ जगह मक्खन बिल्कुल। तो गाइस यहां तक तो ये बन चुकी है, और लगभग भाई ये तैयार होती ही जा रही है, सिंपल से बात है मेहनत रंग ला रही है। भैया अब आते हैं इसके ऊपर प्लेट पर, और नीचे की बॉटम में प्लेट पर, और प्लस इसमें हमें मोटर फिट करना है, उसके बाद गाइस इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। तो गाइस मैं कुछ लोहे की शीट लेकर आया हूँ, तो भाई साहब ये रही लोहे की शीट, और गाइस ये 18 गेज की शीट है लोहे की, देखिए आप इससे हैवी भी ला सकते हो, 16 गेज में या 14 गेज में ला सकते हो, ज्यादा हैवी हो जाएगी तो साइकिल का वजन बढ़ जाएगा भाई, बहुत हैवी शीट है, 18 गेज बहुत हैवी होता है। पहले गाइस मैं सोचा था कि भाई मैं ऊपर वेल्डिंग कर दूं, ठीक है नीचे मैं पेच लगा दूं, स्क्रू लगा दूं, जिससे गाइस हम इसे नीचे से खोल सके, सिंपल सी बात भाई, जब साइकिल चला कर लाएंगे तो बाहर खड़ी छोड़ देंगे, उसके बाद गाइस अगर बाय चांस बारिश आ गई, मैं सोचा भाई ऊपर वेल्डिंग कर दूं है ना, ये शीट है सब जगह से वेल्डिंग हो जाएगी, और गाइस ये वाटर प्रूफ हो जाएगा ऊपर से, तो इसका मतलब पानी नहीं जाएगा। चलेगा फटाफट प्रोसेस करते हैं, आप देखते रहिए। तो भैया यहाँ पर मैंने साइकिल उल्टी कर ली है, ये मैंने पहली कटिंग कर ली है, तो मैं इस पर वेल्डिंग कर दूंगा। तो गाइस मैंने छोटे छोटे टांके मार लिए, मजबूत टांके, देखिए भाई कहीं जाने का आपको लगे तो और मार सकते हो गाइस, ये भाई कहीं जाने वाला, काफी मस्त लग रहा है, बॉक्स है ना 3 इंच की कह रही है, जो कि गाइस काफी ज्यादा है। तो गाइस ये रहा मोटर जो कि 24 वोल्ट और 250 वाट में है, भाई ये लगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ मैं इसी होल्डर का यूज कर लूँ, तो उसे हीट करके थोड़ा सा बेंड करूंगा, और यहाँ पर मैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी करने वाला हूँ। तो भैया इसके फिलहाल ये जो स्क्रू है, यानी कि प्लेट को मैं हटा लेता हूँ, स्क्रू मोड़ेंगे हम इस तरीके से। गाइस हीट मैंने इसे इसलिए की है जिससे गाइस ये टूटे ना। तो गाइस ये प्लेट अभी और थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। तो गाइस ये कुछ प्लेट इस टाइप की बनी है, मैंने एक कोना और भाई ये वाला कोना कट कर दिया, अभी इसके अंदर इजी लग जाएगी। तो भैया अच्छे से फिलहाल मैं टाइट कर रहा हूँ बस, अभी से भाई मोटर को पहले फिट करके देख लेते हैं। तो गाइस ये जो मोटर है यहाँ पर इस तरीके से फिट होगी, बीच में मुझे कुछ सपोर्ट के लिए पाइप लगाना पड़ेगा भाई, जिससे मोटर अच्छे से वेल्ड हो जाए, यहाँ पर रुक जाए। तो गाइस मोटर को रोकने के लिए मैंने एक पाइप कट किया है 1/1.5 का है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा। और भाई देखिए जो मोटर होल्डर है ये दोनों पाइप रुक जाएगा, इस पे भी इस पे भी, तो ये मजबूती से रुका रहेगा इस तरीके से। भाई पहले मैं इसे यहाँ पर वेल्ड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर लगा दिया है मोटर होल्डर जहाँ पर मोटर रुकेगा, ये काफी भाई मजबूत पत्ती है ना, काफी मजबूत शीट का बना है, फिर भी हम सपोर्ट पे इसके एक चीज और देंगे, देखिए यहाँ पर पत्ती लग जाएगी, खैर गाइस तो बाद में लगा लूंगा, पावरफुल मोटर काफी हाई टॉर्क है, तो ये पत्ती इस तरह से हिल सकती है, देखिए अब हिल रही मेरे हाथ से। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये जो गियर है ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो गाइस वैसे तो ऑलरेडी इसकी स्पीड काफी कम है इस गियर मोटर की, तो भैया अगर हम नॉर्मल साइकिल में लगाते हैं, जैसे गाइस मैंने इस साइकिल में लगाया था, तो भाई साहब 22 या 24 की स्पीड ये दे रहा था। अब गाइस सिंपल सी बात है, ये जो टायर है ये छोटा है, इसका डायमीटर छोटा है, तो भाई साहब यहाँ
पर स्पीड और भी कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो क्या हो सकता है 17-18 स्पीड रह जाए, बस की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं गियर बढ़ाना पड़ेगा, ये तो ऐसे रहने देंगे। हम बढ़ाएंगे भैया मोटर का गियर, ये वाला जो, जब जाके स्पीड बढ़ेगी। और मैं ज्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगा, वरना फ्रेंड्स मोटर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। तो भैया हम इसको ही इस पर वेल्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। भाई मैं इसे खोलने वाला हूँ, वैसे भाई ये भी नवा गियर है, आपको लग रहा होगा देखकर। मैं इसे यहाँ से इसका ढक्कन खोलने वाला हूँ। तो गाइस वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है, मैं इसे बिल्कुल अलग कर लूंगा। और भाई जो गियर है ना, खाली ये बचेगा। भाई वाह बहुत बढ़िया। तो भाई हमें ये गियर चाहिए था, भाई ये रहा मोटर, हमें इसके गियर भी निकालना है, जो कि निकालना बहुत ही इजी है। निकल जा, हाँ निकले, रुक जाओ, इसकी जो ना चूड़ी खराब हो सकती है। बस तो भाई इस गियर को हमें इसके बिल्कुल बीचों बीच रखकर वेल्डिंग करना है। तो गाइस ये देख सकते हो, जो हमने काटा था उसे तो हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया है। ये स्पीकर के पीछे लगाता है पार्ट, बोलता आपने देखा होगा। तो भाई इस पर हमने वेल्डिंग से कटाई की है, तो भैया इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये मैंने बीच में रख दिया है, और भाई एक ट्रिक अपनाता हूँ मैं, ये हैक से वेल्डिंग करते हुए बाई चांस जब इलेक्ट्रोड लगता है तो भाई हमारा जो जॉब है पार्ट है वो हिल जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं स्ट्रगुल लगाता हूँ, जिससे भाई यहाँ पे ही हिलाना। भाई सारा मामला सेंटर का ही है, तो ये अब सेंटर पर आ गया। अब ये देखिए हिलाना तो हिलेगा भी नहीं है ना, हिलाने के लिए नहीं हिलेगा। अब मैं आराम से इस पर वेल्डिंग कर सकता हूँ। गाइस मैंने वेल्डिंग से भर दिया भाई सब मजबूत, और काफी अच्छी हीट आ रही है, गर्माहट दे रहा है। तो भी इसकी पिन लगा देंगे। तो गाइस अब गियर का रेशियो बढ़ गया है, तो वैसे चक्कर भी ज्यादा जाएंगे, जो पहिया ना उसके राउंड ज्यादा जाएंगे। और ये मैंने ज्यादा बड़ा नहीं लगाया, तो गाइस को ज्यादा लोड नहीं रहेगा मोटर पर। तो भाई साहब अब लग रहा भाई ये असली मोटर, पहले वो छोटी थी ना गियर, तो गाइस काफी अजीब सा लग रहा था यार, अब लग रहा भाई से पावरफुल सा। भैया ये रही चैन, गाइस चैन बिल्कुल नई है, देख सकते हो बिल्कुल नई। तो भाई साहब चैन लग चुकी है बढ़िया, और देखिए ज्यादा टायर भी ठीक नहीं है, पर भाई बिल्कुल बढ़िया चैन है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, देखिए जब मैं ऐसा करता हूँ तो मोटर जो है ना देखिए थोड़ा सा हल्का सा हिलता है, इसके लिए भाई हमें यहाँ पर सपोर्ट देनी पड़ेगी, जिससे गाइस मोटर आग ना आए। नई चैन है, आग जब थोड़ा लूज जाएगी तो उसकी एक या दो कड़े निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये मैंने एक पत्ती बनाई है सपोर्ट के लिए, तो भैया ये इस तरीके से यहाँ लग जाएगी। वेल्डिंग कर देता हूँ इस पर। तो गाइस काफी मजबूत यहाँ पर मैंने वेल्डिंग कर दी, भाई साहब पत्ती है भाई कहीं नहीं जाने वाली। अब भाई इस वाले सिस्टम आप देख सकते हो, तो भाई यहाँ पर एक मैंने अलग सिस्टम लगाया है, अलग है और भाई ये अलग है। तो भाई यहाँ पर एक दरवाजा लगाएंगे, रूल लगाएंगे यहाँ पर ओपन करने के लिए। तो भाई एक सेपरेट जगह हो जाएगी बैटरी के लिए, कंट्रोलर के लिए, कुछ भी आप रख सकते हो भाई, फटाफट देगी, बहुत ईजी है। यहाँ मैं इसे वेल्ड कर दूंगा, यहाँ पे इसे वेल्ड कर दूंगा, भाई यहाँ पे लगाऊंगा दो कब्जे, जिससे हम इसे खोलिया बंद कर सके। तो भाई यहाँ पे छोटे छोटे टाके मार दिए, और भाई ये बहुत मजबूत टाके हैं। ये दो इंजन आप कई तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो। तो भाई मैं लगाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी सी राउंड शेप है ना, यहाँ पे कॉर्नर खत्म है, तो भाई ये जो है ना ये जो एरिया है इस कॉर्नर के अंदर आ जाएगा। तो भाई मैं इस तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग करूंगा। तो गाइस यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मजबूत वेल्डिंग कर दी है, और भाई साहब जैसे यहाँ मैंने बिल्कुल बीच में बराबर का गैप रखा है, आराम से खोल लो कोई दिक्कत नहीं। अब आते भाई साहब इसके लॉक पर। तो भाई साहब ताले के लिए मैं लेकर आऊंगा अलमारी का ताला, ये बड़ा काम करेगा जो बात है इसमें, तो लगाना काफी ईजी है। तो भाई साहब ये है जो स्लैट आती है ना लिखने वाली, एक तरीके की चौक, तो मैं थोड़ा सा तोड़कर पानी भिगाऊंगा। भाई एक धक्का ले रहा हूँ, कोई भी आप ऐसे चीज ले सकते हो। भाई साहब खोल लेता हूँ। तो भाई मैंने लॉक लगा लिया है जैसे मुझे लगाना है, और ये देखिए जो ये चौक है ये इस तरीके से सूखने पर निशान छोड़ जाती है, मेरे अंगूठे पर आप निशान दे सकते हो। भाई निशान लेने के लिए होगा इससे इसमें होल कर सके, और अभी और भी काम आएगी, रुक जाइए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज बताते जा रहा हूँ। बहुत बड़ा निशान आया यहाँ पे, मैं होल करना जिससे गाइस चाबी चल सके, ऐसे भी कर सकते हो चाहे ऐसे कर सकते हो, मर्जी की बात। तो गाइस मैंने इसमें इतना होल कर दिया है, सब हमारी चाबी इजीली आ जाए, मतलब हमारी नहीं ताले की चाबी इसमें इजीली आ जाए। और भाई यहाँ पर इस तरीके से लग गया है, और मैं ताले को आराम से देखिए लगा खोल सकता हूँ। इसे रोकने यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो गाइस आप नेटवर्क यूज करो या सीधा वेल्डिंग के दो टाके मार दो। तो भाई मस्त करके वेल्डिंग मार जाए, अब देखिए इसका क्या काम है, जो हमने चौक बचाई थी यहाँ थोड़े से पार हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसके भी साफ हो जाएंगे जो बात है। तो भैया हमें इस पे यहाँ रखना है, तो भैया लगा दिया अच्छे से इस पर, और इसे करते हैं बंद। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसे लगाएंगे आराम से दबा के दो बार तीन बार, बस भाई साहब देखिए निशान लग गया, इसे हमें काटना है। और भाई काटने के लिए आप एंगल ग्राइंडर का यूज कर सकते हो। तो भाई साहब फाइनली होल हो गया, और भाई एक घंटा लगा है मात्र इस होल करने में जरा से। भाई इसे लगा के देखते हैं, ठीक है चाबी, और देखिए भाई बेहतरीन, हल्की सी भी दिखी चमक नहीं दिखी, बिल्कुल मिलके चला दी। देखिए ये खुल गया, ठीक है, और भाई हड्डी में से लगा दूंगा ना, देखिए देख रहा हूँ बिल्कुल भी नटरा, देखिए मैं उठा रहा हूँ चाबी को, ये बिल्कुल भी नटरा। तो भाई ऐसे आपको फिटिंग करनी है। तो गाइस फाइनली हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई है, कटिंग वटिंग वेल्डिंग सेल्डिंग सब। और भाई साहब आप इसका लुक देख सकते हो, क्या मस्त लुक लग रहा है, बेहतरीन, सारे जॉइंट भाई साहब बहुत मजबूत कर दिए हैं। अब भाई साहब इस पर लगेगा थोड़ा सा एंगल ग्राइंडर, थोड़ा सा सैंड पेपर, ये जंग लग रहा है ना ये हट जाएगा। तो भाई फटाफट हम थोड़ा सा टाइम लैप्स देख लेते हैं।
भाई एक बार लगने के बाद स्टैंड पे लगने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं, तो मैंने कपड़े से साफ कर दिया और भाई बिल्कुल ही चमक गया। एक आपको ज्यादा दिखाऊं, देख शक्तिमान। तो भैया अब लाते हैं इसकी सीधा पुट्टी, तो भाई भरी जाएगी। तो भाई साहब ये रही पुट्टी, पुट्टी ग्रे ऑटो कोट, खैर आप कोई सी ब्रांड के ला सकते हो। ये पहले लाया था मैंने एक गेट में लगाई थी एक बार, देखिए ये सूखी नहीं है, देखिए अंदर से बिल्कुल बढ़िया, देख सकते हो यहाँ से सूखी हुई फ्रेंड्स, बाहर थे ना। तो भाई इसे भरेंगे, और भाई ये लोहे की आराम से बहुत मस्त काम करेगी। ये भरने की तरह मैं उस पर आते हैं, तो भाई हैंड पे वेल्डिंग किया है, ये वेल्डिंग आप देख सकते हो, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। पेंट होने के बाद भी भाई इस पे इस तरह से निशान रहेंगे, है ना। तो भाई क्या करना, और इस तरह की पट्टी लेनी है, और भाई से देखिए तो भाई जोन बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अब ये सूखेगी भी, इस पर हम सैंड पेपर भी मारेंगे। तो गाइस फाइनली इस पर लग गई है ये 14 कहते हैं इसे, या पुट्टी उट्टी, और भाई उंगली टेढ़ी कर दी, उंगली पे छुट भी लगा दी, वैसे पूरा का पूरा हाथ हो गया मेरा, और भाई एक घंटे के अंदर सूख जाएगी। और गाइस ये डिब्बा मैं 95 रुपए का लेकर आया था, इस पे भी लगा दिया, और ये वाले गेट है ना इस पे मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारी बरसात झेली तूफान झेले से ना अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो भाई बाद में हम इस पर मारेंगे सैंड पेपर जब ये सूख जाएगा। और अभी से घिसने का टाइम आया, तो भाई घिसने के लिए मैं एंगल ग्राइंडर का यूज करूंगा, आप चाहो तो गाइस सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, बस ये दिक्कत है ये थोड़ा जल्दी काम कर देगा। तो भाई अंदर तो मैं कर रहा हूँ ब्लैक कलर, कलर खत्म, मुझे पता थी गाइस कि कलर खत्म होगा, तो गाइस मैं नया लेकर आया, अभी इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं। तो भाई सही तो 10 मिनट में सूख गया, यही फायदा है, इसलिए गाइस मैं ब्रश वाला पेंट का यूज नहीं कर रहा। अब देखते भाई कौन सा कलर करना है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन भाई आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा, तो आपसे छुपाने से क्या फायदा, लाल और काला ही होगा सिंपल सी बात। तो गाइस काला कलर तो हो गया है डन, इसकी शाइनिंग देखिए क्या मस्त है। और गाइस बाकी करना है रेड कलर, इससे बचा के करना है, रेड कलर लगना नहीं चाहिए, तो मैं ना फटाफट कवर कर लेता हूँ। तो गाइस कलर हो गया है, थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, रेड कलर। भाई साहब इसका लुक देखिए, लुक देख सकते हो काफी मस्त लग रहा है, इस पर स्टिकर स्टिकर चिपकेंगे और फिटिंग विटिंग होगी। भाई साहब काफी सारे कलर लग गए, बल्कि 3 ब्लैक लगे हैं, क्योंकि इसमें मडगार्ड भी किया था, 2 रेड लग गए हैं। तो गाइस जरूर बताइएगा आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, अगर फ्रेंड्स आप करते हैं तो किस तरह का कलर करते। तो गाइस इतनी भारी नहीं है, भाई साहब कलर कंप्लीट हो गया है, तो गाइस फटाफट इसकी फिटिंग करते हैं। तो गाइस तो भी पेंट कर दिया है मस्त बिल्कुल। तो गाइस दोनों व्हील लगा लिए, पहिया लगा लिए, मोटर लगा लिया, वैसे गद्दी पर आते हैं, गद्दी मैंने बनाई थी, शायद आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा समर ब्लॉग ऑफिशियल, उस पर गाइस मैंने बनाई थी। तो भाई फटाफट से हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर होल करना बाकी है, अभी होल कर लेते हैं। गाइस काफी मस्त लग रही है हमारी गद्दी, होय 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 क्या सकून है भाई साहब बैठने वाला, मस्त बिल्कुल, टॉगल भी काफी अच्छा आ रहे हैं जो बात है। अब भाई साहब इसकी बाकी की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए भाई साहब अब फटाफट एक किट लगाना स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो मेरा काम था जो हार्ड वर्क था फ्रेंड्स वो तो हमने कम्प्लीट कर लिया लगभग। तो गाइस लोग के बारे में मैंने काफी सोचा, ये की लोग है तो काफी सोचा भाई इसे कहाँ लगाऊं, तो भाई मैं चाहता कि मैं इसके अंदर लगाऊं, लेकिन गाइस ये हैवी बहुत है, और गाइस काटने वाले अच्छा भी लगेगा, है ना। तो भाई मैंने देखिए यहाँ पे होल कर दिया है, और भाई यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। गाइस बैठने के बाद यहाँ पे पैर नहीं लगेगा, काफी रैप पैर रखने को, अगर आप पीछे को ये पूरा आइडिया पड़ा है भाई, यहाँ पर मस्त जगह है, देखिए यहाँ पर होल भी काफी इजी हो गया। मैं चाहता गाइस ऐसे लगा सकता था, लेकिन नहीं, धूल मिट्टी पकड़ेगा, तो भाई ये ऊपर रहना ठीक है, और ये ऑलरेडी बंद होता है, जब चाबी ले तभी खुलेगा। तो गाइस जो वायर देख रहे हैं ना भाई, ये बाहर से जा सकते थे केबल टायर लग के, अगर मैं सोचो भाई ना पाइप के अंदर ले जाऊं, है ना काफी अच्छे लगे, है ना थोड़ी सफाई से आ जाएगी। मैं होल करता हूं और भाई इसके अंदर ले जाता हूं ये वायर, क्योंकि गाइस बैटरी बैटरी कंट्रोल सभी यहीं लगेगा। देखो भाई साहब क्या मस्त होल किया है, थोड़ा सा ऐसा टेपर में। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या मस्त फिटिंग आ रही है ना, बिल्कुल मैंने इसके अंदर कर दिया, और ये काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा मस्त बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जो कील हो गए क्या यहाँ पर लगाने के लिए होल किया है, इधर देखिए, और यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम आएगा, आज इसे हम कंप्लीट करके मानेंगे ससुर के नाती को। तो भाई ये रहा मोटर का वायर, इसके अंदर चला जाएगा, बाद में ग्लू लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे जिससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर शोकर बात करेंगे। ये भाई चार्जिंग बोर्ड ये भी थोड़ा ऊपर है, देखिए, और भाई यहाँ पर काफी इजी लग गया है, देखिए भाई मस्त बिल्कुल बेहतरीन फीचर, जितने चमके उतना अच्छा, कोई बंदा देखेगा भाई एक चीज है, तो मतलब
थोड़ा मजा आएगा। से भाई हम यहाँ से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक होल भी दे रखा से रोकने के लिए, तो वही ऐसे अभी से रुक गया, क्या जरूरत लगाने की, लेकिन ऐसे निकल जाएगा। तो भाई अभी लगाएंगे, निकलेगा नहीं, यह गलत दे रखा, इसमें जो ना दो होने चाहिए थे, लग गया वैसे अच्छे तरीके से, टाइट करना बाकी। तो भाई ये हो गया टाइट, वैसे कहीं से अंदर नहीं जा रहा जो बात है। तो भाई ये रहा कंट्रोलर, और फटाफट ज्यादा वक्त निकलवाते हुए अब सारे कनेक्शन में कंप्लीट करता हूँ। ये रहा कंट्रोलर, बैटरी आपने देख ली है, कनेक्शन पे सारे लिख के हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो आपको करना क्या है, कनेक्शन कैसे करने है वो आपको भाई बताएगा। थोड़ी तेज मार दी। तो भाई साहब कनेक्शन सारे कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल, आपको मैं बताऊंगा कैसे रहेगा इसी, तो मैं आपको खैर बता दूंगा इस वीडियो में। तो भाई फटाफट इसकी बैटरी पर आते हैं, बैटरी मैंने बना दी है, बैटरी किलो की बिल्कुल मस्त बैटरी बनी है भाई, जो बात है। और भाई ये रस का BMS नन्ना मुन्ना रही, ठीक है। और भाई इस हम नीचे नहीं रख सकते बैटरी, गाइस आप जानते हो भाई यहाँ पर शॉर्ट सर्किट उड़ जाएगा, लोहे का काम है। तो भाई हमने क्या करा है, यहाँ पर मैं एक नहीं बल्कि दो फिल्म शीट लेकर आया हूँ भाई, मैं भी यहाँ लगा, तो ये काफी अच्छी रहेगी यहाँ के लिए। पतली बहुत होती है, बिल्कुल लाइट वेट, कोई लोड कोई प्रेशर नहीं, और अभी भी थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं जब ऐसी हिलेंगी ना, जब हमारा स्कूटर चलेगा तो इस तरह से हिलेंगी, तो कैसे हिल के छोटे सोल्डिंग के पीस है, डबल साइडेड टेप भाई हम इसे ऐसे लगाएंगे, और ये इसे उठा के भी रखेगी, रोक के भी रखेगी। बढ़िया 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 बढ़िया। और भाई जगह तो बहुत है, चलिए भाई से लगाते हैं और आप देखेगा। इसलिए भाई से मैंने 3 इंच का लिया था पाइप, जिससे हम अपनी बैटरी को आराम से इसमें लगा सके। भाई एक बार चिपक गया ना तो काफी दिक्कत आएगी, तो भाई एक बार मैं बिल्कुल अंदर तक लगाऊंगा, देखे बस लीजिए भाई हमारी बैटरी नहीं लेगी, मैंने भी चिपका दूं, बेफिक्र रहिए अभी। और भाई ये रहा हमारा कंट्रोलर, यहाँ पर काफी जगह है, आराम से आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है गाइस, मैंने इसलिए स्पेस रखा है, यहाँ पे आराम से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का चार्जर रख सकते हो, अगर कहीं जाते हो बाय चांस इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, तो भाई वहाँ पर ही यूज हो जाएगा। तो भाई अब आते हैं इसके कनेक्शन पर, जो की इसकी बैटरी में, ये रहा भाई नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट पे लग जाएगा, पॉजिटिव तो लगाते हैं डायरेक्ट, बढ़िया चाबी बंद कर रखी है तो नेगेटिव में लगाते हैं, ये बात चिंगा डटती है बस। लीजिए भाई कनेक्शन कम्प्लीट, और बेफिक्र रहिए, और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, पावर पे धर कर देते हैं सब कुछ। अब इसके ऊपर आते हैं, तो गाइस ये जो ढक्कन है ये भी लोहे का है, तो हमने इसके बारे में भी सोच रखा है। तो भाई ये रही कुछ फिल्म शीट, और ये मैंने कुछ इस तरीके से बैंड कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। और भाई ये आराम से ऊपर से इस तरीके से बंद हो जाएगा, बहुत आसान है, भी काफी जगह है, देखिए मजबूत शीट है काफी। तो भाई पहले इन्हें भी चिपका देते हैं इस तरीके से, लाइट है भाई, सर रोक रहा हूँ मैं टेप से, ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि गाइस ये ज्यादातर बंद है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ब्रेक तो कनेक्ट कर दिया है, जो आउटर ना केबल पूरा, यानी कि फ्रंट का ब्रेक बहुत मस्त काम कर रहा है, देख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन। तो गाइस मैं 3 लेकर आया हूँ, तो भाई मैं तीनों लेकर क्यों आया, ये सारी चीजें कहानी आपको मेरे ब्लॉग समर ब्लॉग ऑफिशियल पर मिल जाएगी, मैंने उसको वीडियो बना रखी है। तो भाई फिलहाल जुपिटर का तक मैं साइड में, और पहले मैं खोलता हूँ ये बजाज चेतक का। तो भाई खोलते हैं, और ये लगता रहा कि यार आ जाना चाहिए भाई, वाह भाई तो ज्यादा लंबा है, तो भाई जुगाड़ से कुछ भी हो सकता है। तो गाइस मुझे यकीन है ये आ जाएगा भाई, वाह ये तो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, और ये पतला भी है ना, ये बजाज चेतक का है, अगर आप किसी और चीज का लाओगे तो इसमें वायर मोटा मिल जाएगा आपको। तो गाइस ऐसा लगता है इसी के लिए बनी है भाई, वाह क्या मस्त फिटिंग आई है। तो भाई बजाज चेतक की लेकर आए, और गाइस पीछे वाले ब्रेक बहुत जरूरी है भाई साहब, दोनों ब्रेक जरूरी है, ये वाली बैलेंस में रुकेगी। फाइनली तो हो चुके कंप्लीट, ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ ग्राफिक्स, कुछ स्टिकर पर, कुछ चिटविट कहते हैं ना जिन्हें। तो गाइस ये रही जो कि मैं लेकर आऊँ, और भाई एक मुझे 40 रुपए का पड़ा है। वैसे गाइस काफी लोग कहेंगे कि समर यार तूने इतनी मेहनत करी है, तो भाई तू समर एक्सपेरिमेंट की स्टिकर बनवा लेते यार, लेकिन वो ये ना कि एक तरह का यार हमने होममेड बनाया, तो भाई मैं चाहता हूँ ये होममेड ही लगना चाहिए, हमने बनाया है, ठीक है ना। वैसे यकीन मानिए भाई मैं स्टिकर लगाना नहीं चाहता, लेकिन भाई थोड़ी सी सजावट थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लुक आ जाएगा। तो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, मतलब कि अलग अलग इन्हें कर लिया सबको, और भाई चिपकाने काफी इजी है, बस छुटा और चिपका दो, तो फटाफट मैं इन्हें चिपका देता हूँ। तो गाइस स्टिकर लग गए, और भाई अब बताइए कैसे लग रही है हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर। देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर आप इसे खोल भी सकते हो इजीली, देखिए रहा बहुत जगह है, तो आराम से इसे खोल भी सकते हो, तो मैं इसे फिलहाल लगा देता हूँ। तो भाई इसका लुक काफी इनहेंस हो गया है स्टिकर की वजह से, तो यहाँ पे स्टिकर लगाए हैं, स्टब लगाए हैं, और भाई इसकी बैक साइड में लगाए हैं। तो गाइस हमारा स्कूटर कंप्लीट हो गया है, भैया फटाफट इसे चालू करते हैं, और भाई हम निकलते हैं, और गाइस मिलते हैं सीधा रोड पर जाने के बाहर। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, और भाई एक बात और, काफी लोग कहेंगे समर यार चार्ज का सिस्टम में बड़ी दिक्कत है, ये जो पिन है ना ये भाई मैंने बना लिया अलग से, देखिए ये एक डॉट है, और भाई इस पर लग जाएगी, ठीक है चले भाई लगी निकलेगी नहीं आराम से। तो गाइस इसका एक सिनेमेटिक लुक देख लेते हैं। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. तो गाइस आई होप आपने सिनेमेटिक लुक काफी एंजॉय किया होगा। तो चले भाई अभी से चालू करके देखते हैं, पहले इसकी स्पीड देख लेते हैं ऐसी, भाई वाह बहुत मस्त स्पीड है। ये रे भाई पत्थर कितने मोटे मोटे,
बस देखा इसका मस्त गड्ढा कर दिया। तो गाइस पावर की तो भाई कमी नहीं है। तो चले गाइस अब फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले मैं ऐसे देख लेता हूँ, स्पीड बाद में देखेंगे या हाँ तो स्पीड देख लेते हैं। तो गाइस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ और भाई एप्लीकेशन मैंने खोल दिया है। चलेगा इसे मैं जिम में रख लेता हूँ, अगर ये अच्छे से काम कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा रख लेते हैं। तो चलेगा इस देखते हैं कितनी स्पीड है। मस्त बिल्कुल बढ़ती जा रही है बहुत मस्त बेहतरीन भाई, स्पीड बहुत है। देखिए गाइस आज लोंडे इससे आधे नहीं उछालनी ठीक नहीं है। तो भाई अब देखते हैं इसकी स्पीड आई क्या है। मैं भाई साहब 25 की स्पीड आई है इसकी, 25 km। देखिए और एवरेज तहरी को गाइस वो कम पड़ती है ना तो उसका लगा लेता है। तो भाई 25 का टाइम चल रहा है अभी लाइव। भाई साहब बहुत मस्त स्पीड है, मतलब 25 में ऐसे लग रही थी कितनी तेज चल रही हो, क्योंकि साइकिल के हिसाब से 25 बहुत है। इसकी स्पीड आप और भी बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा स्पोकेट बड़ा लगा दीजिएगा, चैन पर थोड़ा छोटा लगा दीजिएगा, मोटर पर थोड़ा बड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है। उससे काफी लोड पड़ेगा मोटर पर और बैटरी पर, ये बैकअप अच्छा दे देगी। हमें लोकल में से चलानी तो हमें उठानी बाब रोकनी ब्रेक माननी उठानी, इतनी स्पीड मेरे हिसाब से बहुत है। और भाई बैकअप कितना देगी कितना चलेगी ये तो गाइस मैं आपको अपने सेकंड चैनल समर ब्लॉग ऑफिशियल पर आपको बता दूंगा, बिल्कुल टेस्ट करके। तो गाइस हमारे भाई आ गए हैं, बैठ जाओ, मतलब बैठ जाओ खड़ो जाओ जैसे मर्जी इस पे। हाँ अब तुम ही चलाओ, चलो ये चला लेंगे, चालू है। हाँ चले चालू है। देखिए गाइस चलो चलो चलाओ, अरे गिर के ले जा रहा है, मैं चलाता हूँ। देखो भाई बहुत बढ़िया भाई, 70 किलो के लगभग 140 किलो वेट, मजा आ रहा है। गाइस बहुत मजा आ रहा है। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए गाइस मेरे पास अभी इसका चार्जर नहीं है। तो भाई आप यहाँ पे देखिए इसमें 3 सेल दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर शायद आपको दिख जाए 3 बैटरी। वैसे अगर चौथी बैटरी आएगी ना, चौथा सेल भी आ गया तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, लगभग 2.5 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो गाइस लगभग 27 से 28 की इसकी टॉप स्पीड आ जाएगी जब बैटरी फुल रिचार्ज होगी। अभी लगभग 27 वोल्ट पर रिचार्ज है, जबकि 29.4 वोल्ट तक बैटरी जाती है, तो स्पीड थोड़ी सी मोटर की बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक साइकिल ज्यादा फ्रेंड ये अच्छी है, इसमें काफी कम्फर्ट है। एक बात और देखिए, मैंने जो शीट लगाई है वो एक तरह स्कूटर टाइप की लगाई है, इसमें पिछवाड़ा काफी मजे से रखा है सब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे काफी सारा सामान ला सकते हो, बच्चों को बैठा सकते हो। मैं चाहिए गाइस कितने की पड़ी भाई, मोटा मोटा 5000 रुपए की टेस्ट की, मोटा मोटा। पुरानी बैटरी मैंने यूज किया विद बीएमएस, लगभग 2022 तो मान लो कितने हो गए 7000, 1500 रुपए का फ्रेम मान लो, मोटा मोटी बता रहा हूँ 9-10 हजार रुपए की मुझे पड़ गई है। और गाइस अगर आप मार्केट से आओगे इलेक्ट्रिक बहुत महंगी पड़ेगी, 30,000-35,000 उसकी तो खैर लिमिट नहीं है। गाइस ये भाई बिल्कुल मस्त है, और ये अपना पड़ जाती है। देखिए काफी लोग कहेंगे समर भाई इसके कनेक्शन तो बता दे, तो भाई अगर मैं बताऊंगा गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। समर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक साइकिल आपको सर्च करना है गाइस, यकीन मानिए मोटर कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, और एक एक कनेक्शन मैंने इतना बारीकी समझाया, आप इसकी लेंथ देख सकते हो 27 मिनट 3 सेकंड गाइस ये वीडियो है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को देखना, देखिए इसमें ये मोटर लग रही है, सारे कनेक्शन इसी के हो रहे हैं, गाइस ऑलरेडी सारे कनेक्शन पे लिखे होते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। फिर भी अगर नए समझ में कोई दिक्कत होती है तो भाई आप इस वीडियो को जाकर देखो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप चेक कर सकते हो उसके कनेक्शन। तो गाइस इसे बनाने में लगभग मुझे 15 दिन लग गए हैं, तो प्लीज दोस्तों लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।